टेक्टिव एजुकेशन इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। देखिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप पतंजलि स्वदेशी स्मृति कार्ड कहाँ से और कैसे बना सकते हो। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो वेबसाइट लिखी डिजिटल सेवा डॉट सी एस सी डॉट गवर्नमेंट डॉट इन, यहाँ से आपको अपनी आईडी को लॉगिन कर लेना है। यदि आप सी एस सी वीएलई हो तो आप डिजिटल सेवा को लॉगिन कर लेना है। उसके बाद इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे सर्च सर्विस पे क्लिक कर देना और यहाँ पे आपको पतंजलि लिखना है। जैसे ही आप यहाँ पे पतंजलि स्मृति कार्ड लिखोगे तो लास्ट में यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा पतंजलि स्मृति कार्ड, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करो तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पे लिखा होगा प्रोसेस्ड, तो यहाँ से प्रोसेस्ड पे क्लिक कर देना। प्रोसेस करने के बाद आपको लॉग इन विथ डिजिटल सेवा पे कनेक्ट कर देना है। जैसे आप कनेक्ट करोगे हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम दे, तो यहाँ से आपको रिफ्रेश कर लेना है। जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो इस प्रकार का आपके सामने डैशबोर्ड ओपन होगा। ठीक है, डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ से स्मृति कार्ड मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से रजिस्टर यूज़र पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपको फिल कर देना है। ओके, और लास्ट में आपको यहाँ से सेव कर देना है। मैं आशा करता हूँ कि आपके यहाँ वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।